Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. In today's video, I am going to talk about the latest jobs announced under Ministry of Defense. From where you can watch and download the advertisement, how much fee is required for every post, from where you can apply online, which posts are announced, what is the required qualification, what is the age limit required, and what are the total number of vacancies announced under Ministry of Defense. All these areas are going to be covered in this video. So watch and listen carefully. सबसे पहला क्वेश्चन जिसको मैं आंसर करने जा रही हूँ वो ये है कि हमें एडवर्टिजमेंट कहाँ पे मिलेगी. इसके लिए आपने गूगल ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स. तो आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे एडवर्टिजमेंट लिखा आ जाएगा. इसको आपने क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वहाँ पर एडवर्टिजमेंट शो हो जाएगी. अगर यहाँ पर आपको ऐड क्लियरली विजिबल नहीं होती तो इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडवर्टिजमेंट. इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जो एडवर्टिजमेंट होगी वो क्लियर और विजिबल होगी. फर्दर आप उसको जूम भी कर सकते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि हम अप्लाई कहाँ से करेंगे. तो पिछले टैब पर चलते हैं और वहाँ पर ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का. इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. अब जिसने तो पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वो जस्ट लॉग इन करेगा और जिसने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो साइन अप हेयर पे क्लिक करेगा. रजिस्टर करने के लिए या साइन अप करने के लिए आप अपना CNIC नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे, मोबाइल का बताएंगे कि उसमें सिम कार्ड कौन सा है, कोड लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और साइन अप कर देंगे. उसके बाद ये राइट साइड पर आ जाएं, प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन. स्टेप नंबर 1 है रजिस्टर एंड लॉग इन. स्टेप 2 है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. स्टेप 3 है अप्लाई ऑन द डिजायर्ड पोस्ट. एंड स्टेप 5 है प्रिंट योर डिपॉजिट स्लिप एंड पे फी थ्रू वन लिंक वन बिल इनवॉइस फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, ATMs, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ कि कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है. तो जनाब ये रही एड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशंस वेकेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स हैविंग रिक्वेसाइट एजुकेशन एक्सपीरियंस कोटा एंड एज टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट. पहली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, स्केल है 17. सेकेंड क्लास और ग्रेड सी MA MSc 16 ईयर्स एजुकेशन और इक्विलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय HSC, यानी कि आपका मास्टर्स रिक्वायर्ड है वेदर इट इज MA और MSc. एज लिमिट क्या है 22 to 35 और ये जितनी भी एजेस हैं इसमें 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है. AD की 15 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिसमें ओपन मेरिट की 1, पंजाब की 4, सिंध अर्बन की 3, सिंध रूरल की 2, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1, GB की 1 और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 है. नेक्स्ट पोस्ट है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर, 16 स्केल की जॉब है. इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री इन फर्स्ट BN, यानी 14 ईयर्स एजुकेशन. 20 to 23 इसकी एज लिमिट है. 3 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिसमें पंजाब की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है और बलूचिस्तान की 1 है. थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट, 15 स्केल की जॉब है. 14 ईयर्स एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है. मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट. तीसरी चीज़, आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए. 6 वीक्स बेसिक IT कोर्स किया हो इंक्लूडिंग MS ऑफिस. 18 to 33 एज लिमिट है. 6 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, ओपन मेरिट की 1, पंजाब की 3, सिंध रूरल की 1 और KPK की 1. फिर है ट्रैफिक एनालिस्ट 14 स्केल. ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है 14 ईयर्स एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन. 18 to 30 एज लिमिट. 8 पोस्ट हैं, पंजाब की 4, सिंध अर्बन की 2, सिंध रूरल की 1 और KPK की 1. सब इंस्पेक्टर 14 स्केल. ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री. 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट. 30 सीट्स हैं इसकी, ओपन मेरिट की 1, पंजाब की 14, सिंध अर्बन की 4, सिंध रूरल की 2, KPK की 4, बलूचिस्तान की 2 और एक्स फाटा की 2 प्लस GB की 1. सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर. ग्रेजुएशन 14 ईयर्स रिक्वायर्ड है और इक्विवेलेंट डिग्री इन फर्स्ट BN.
18 to 30 एज लिमिट है। 5 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, पंजाब की 3, सिंध रूरल की 1, एक्स फाटा की 1। अपर डिवीजन क्लर्क UDC 13 स्केल की जॉब है, इंटरमीडिएट रिक्वायर है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, यू मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, 3 वीक्स बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस, 18 to 30 ईयर एज लिमिट। 6 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 3 है, KPK की 1 है और बलूचिस्तान की 1 है। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC BS 11, इसके लिए मैट्रिकुलेशन रिक्वायर है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, यू मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, 3 वीक्स बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस, 18 to 30 ईयर्स एज। 6 वैकेंसीज अनाउंस्ड, पंजाब की 1, सिंध अर्बन की 2, सिंध रूरल की 1, एक्स फाटा की 1 और GB की 1। ऑपरेटर स्पेशल 9 स्केल की जॉब है, इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटरमीडिएट किया हो या इक्विवेलेंट इन फर्स्ट डिवीजन, और मैट्रिक और इक्विवेलेंट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन विद मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस इन सिग्नल यूनिट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मल्टीलिंगुअल विद कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड। 18 to 30 एज लिमिट, 16 वैकेंसीज, पंजाब के लिए 6, सिंध अर्बन की 2, सिंध रूरल की 3, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1 और फाटा की 2। टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ 9 स्केल जॉब, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन अलॉन्ग विद जर्नलिज्म, पार्क स्टडीज, हिस्ट्री और लिटरेचर, इंग्लिश और उर्दू दोनों में से कोई भी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट, 2 वैकेंसीज अनाउंस्ड, पंजाब की 1, सिंध रूरल की 1। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 9 स्केल, ग्रेजुएशन, 14 ईयर्स एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन। 18 to 30 एज लिमिट, 11 वैकेंसीज अनाउंस्ड, पंजाब की 5, सिंध अर्बन की 2, सिंध रूरल की 2, KPK की 2। सिक्योरिटी सुपरवाइजर 7 स्केल जॉब, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट डिग्री इज रिक्वायर्ड। 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट, 9 वैकेंसीज अनाउंस्ड, ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 4 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, KPK की 1 है और बलूचिस्तान की 1 है। इसके बाद हम नीचे दिए हुए नोट को पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन हमने सारी देख ली, एप्लीकेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट है February 12, 2024। उसके बाद बताया गया है कि किन कंडीशंस के अंडर मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो रिलैक्स की जाएगी टू द एक्सटेंट एज मेंशन बिलो, इनको खुद से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि ये जॉब्स मेल के लिए हैं या फीमेल के लिए, तो इसमें दोनों ही एलिजिबल हैं। द कोटा रिजर्व फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज एंड डिसेबल्स विल बी एडहेयर टू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स इंस्ट्रक्शंस। Persons with disabilities can apply for all posts, however they are encouraged to apply against the posts at serial number 2 to 4 and 7 to 10। यानी 2 से 4 और 7 से 10 पे जितनी posts हैं उनके लिए उनको encourage किया जाता है कि वहाँ पर वो apply करें। Screening test में negative marking होगी at the rate 0.25 mark for each wrong answer। हर गलत answer पे 0.25 marks कटेंगे। लास्ट इज हाउ टू अप्लाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकालना है और साइन इन करने के बाद आप एप्लीकेशन फिल करेंगे और उसको सबमिट करवा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फी की। जो आपकी पोस्ट है 17 स्केल की, उसकी फी है 2000। 14 से 16 स्केल की जॉब तक के लिए 1500, 9 स्केल से 13 स्केल की जॉब के लिए 1200 और 7 स्केल की जॉब के लिए 850। जो आपकी फी स्लिप जनरेट होगी उसमें 20 डिजिट्स का इनवॉइस नंबर होगा, उसको यूज करते हुए आपने अपनी फी पे करनी है थ्रू 1 बिल इनवॉइस फ्रॉम एनी ऑफ दीज। याद रखिएगा कि जो फी आप डिपॉजिट कर देंगे वो नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है, इसीलिए किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को इंश्योर कर लें। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सिंगल फी के साथ एक कैंडिडेट 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि वो पोस्ट कौन कौन सी होगी। सीरियल नंबर 2 से 4 तक एक फी पे करेंगे तो आप इन तीनों में से किन्हीं भी 2 में अप्लाई कर सकते हैं। 5 और 6 दोनों में से किसी एक पे या दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं विद सिंगल फी। 7 to 9
एक फी के साथ किन्हीं भी दो पर अप्लाई कर सकते हैं, और 10 और 11 अगर दोनों में अप्लाई करना है तो सिंगल फी के साथ हो सकता है। अगर आप दो से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। आपकी टेस्ट स्लिप्स और रिजल्ट स्लिप्स किसी भी पोस्टल या कोरियर सर्विस के जरिए आपको नहीं भेजी जाएंगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट दिस वेबसाइट ऑन अल्टरनेट और डेली बेसिस एंड कीप देयर सेल नंबर्स ऑपरेशनल फॉर टेस्ट और रिजल्ट इन्फॉर्मेशन। लास्ट थिंग जो पहले भी बता चुकी हूँ कि लास्ट डेट अप्लाई करने की है 12 फरवरी 2024। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जॉब्स अनाउंस्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड टू कर्सिलिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।